आपका स्वागत नई खबर के साथ। मैं आरिफ जमान। उत्तराखंड का जीवन, उत्तराखंड के पहाड़ी किसानों का जीवन बड़ा ही संघर्षमय और दुख से भरा हुआ होता है। अनेक स्थान, अनेक ऐसे जगह हैं वहाँ के किसानों के लिए अनेक तरीके की कठिनाइयों से भरपूर है। खेतों में, जंगलों में हमेशा जंगली जानवरों का एक डर और भय वहाँ पर फैला रहता है। आपकी फसल हो, फल फ्रूट के उपज हो, कभी बाघ, कभी दूसरे जंगली जानवर, लंगूर इत्यादि आकर वहाँ पर फसलों को चौपट करते रहते। उत्तराखंड में हमारे संवाददाता अनिल सिंह बिस्ट की यह विशेष रिपोर्ट है, जो कि आपको पौड़ी गढ़वाल के खेतों के बारे में और वहाँ की उपज और वहाँ पर जो लंगूरों का आतंक छाया हुआ है और उससे होने वाले नुकसान के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर आपको कई जगह थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया है इन लंगूरों के ऊपर। गुणी गुणी गुणियों की बारिश, बारिश की फुहार चलती हुई है। इसमें देख रहे हैं आप कितनी गुणी है, गुणियों की भरमार। इन गुणियों ने इतना आतंक मचा रखा है कि जो भी लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं वो लोग बहुत परेशान हैं और उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। सरकार जो है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। ये देखिए खेतों के हाल, खेतों में जो भी कुछ है ये सारा उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल एकदम खा पी के चबड़ कर रखा है। खेतों में जितने भी पेड़ पौधे हैं, फलदार वृक्ष हैं, जितने भी हैं उनमें सब बुरा हाल है। ये कम से कम 100-200 गुणियाँ हैं, लंगूर भी बोलते हैं इनको, और जहाँ गुणी है वहाँ कुछ नहीं होनी है। कहने का मतलब है कि जहाँ ये है वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। और जितने भी हमारे पहाड़ी भाई बंद हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये खेत हैं, इन खेतों को उन्होंने मिर्च लगा रखी है, हल्दी रखा रही है, आलू रखा रखे हैं और धान बो रखी है, लेकिन उन्होंने इन इतना नुकसान कर दिया है कि कुछ पूछो मत। ये देखिए यहाँ तक कि उन्होंने पेड़ों को तोड़ के जितनी भी टहनियाँ थी तोड़ ताड़ के सब बराबर हो गए। लोग बहुत ही परेशान हैं। ये देखिए वो पत्ते तक नहीं छोड़ रहे हैं, फल की तो दूर रही बात। ये देखिए इतने बने हैं, कम से कम जो है 25-30 किलो का एक होगा, और साथ साथ में बच्चे हैं, दुनिया भर के बच्चे भी हो रखे हैं इनके साथ। इसी प्रकार पहाड़ में जो है बहुत ही नाजुक स्थिति है। सरकार को इनकी तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए और ब्लॉक स्तर पर भी कुछ लोग ऐसे होने चाहिए कि जो इनको कुछ कंट्रोल किया जाए। यहाँ पहले एक बार हुआ था कि नसबंदी करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। सरकार जो है इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सुअरों का आतंक इतना मच चुका है कि ये देखिए सारी बंजर खेते हैं, सारी बंजर खेत हैं, दुनिया भर का चीड़ के पेड़ हैं। ये देखिए बंजर, पूरी बंजर खेत हैं। अब यहाँ कोई करे भी तो क्या करे, बहुत ही बुरा हाल। बारिश भी रुमझुम चलती हुई, सब परेशान है। ये देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, ऊपर पूरे जंगल में आगे बहुत सारे बहुत हैं, लेकिन क्या करें, कोई इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इन्होंने पेड़ पौधे फलदार वृक्ष जितने भी हैं, अखरोट हुआ, सेब हुआ, अनार हुआ, आपका अंजीरिया हुआ, बेडू, तिमला, जो भी हैं ये सब बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
जबकि सरकार से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि इन पर कोई नियंत्रण किया जाए, लेकिन कोई करना नहीं चाह रहा है। और बस जंगल है तो जंगल में रहने दो, जंगल की तरह इनको, इन्होंने जंगल जंगल में मंगल कर रखा है। ये देखिए, कोई डर नहीं है, कोई पत्थर फेंको चाहे कुछ भी करो। एक तरफ सरकार कह रही है कि जीव जंतु को बचाओ, लेकिन इन खेतों का क्या होगा और यहाँ का किसान का क्या हाल होगा? यहाँ किसान भूखा मर जाएगा, तब सरकार जो है क्या करेगी? सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।